अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए फॉर फ्यूचर अपडेट्स के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि जो आपका सीबीटी एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, जो डीएवी स्टाफ रिक्रूटमेंट निकली हैं और उसके जो एडमिट कार्ड्स वगैरह हैं आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं 24 फेब को, और डेट शीट आपकी पोस्ट वाइज अपडेट हो जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा मुझे क्यूरीज आ रही हैं कैंडिडेट्स की कि सर सिलेबस क्या रहेगा, पीआरटी, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस। हिंदी में मुझे ये भी है कि हिंदी में हमें भी जनरल इंग्लिश का पेपर देना होगा, जो जनरल पेपर होता है फर्स्ट, या नहीं देना होगा। एक मुझे संस्कृत के किसी कैंडिडेट का कमेंट आया था कि सर हमारा सिलेबस क्या होगा, जबकि वेबसाइट पे कोई भी सिलेबस के रिगार्डिंग नहीं है। अगर कोई सिलेबस के रिगार्डिंग थोड़ा सा भी हिंट दिया गया है तो उसमें उन्होंने लिखा, ये देखिए, व्हाट इज़ द सिलेबस फॉर सीबीटी। तो इसमें लिखा है एज़ पर द पोस्ट ऑफ और सब्जेक्ट। अब देखिए, जैसे आई एम बिलोंगिंग टू कंप्यूटर साइंस फील्ड, तो हमारा जो सब्जेक्ट है लाइना बहुत ही वास्ट है। इन्होंने ये भी नहीं बताया एज पर सब्जेक्ट पोस्ट अकॉर्डिंग टू स्कूल सिलेबस। या तो ये थोड़ा सा वर्ड होता ना तो चलो कैंडिडेट को क्लैरिटी हो जाती कि हमने जो स्कूल के सिलेबस होते हैं पीआरटी फोर क्लासेस दिस वन टू दिस वन, टीजीटी फॉर दिस वन टू दिस वन एंड फोर क्लास पीजीटी प्लस प्लस वन एंड प्लस टू। तो मिनिस्ट्रियल पोस्ट में जो ऑफिशियल वर्क होता है, जैसे असिस्टेंट की पोस्ट होगी, एलडीसी अकाउंट्स, एलडीसी एडमिन हो गया, और देर आर सम अदर पोस्ट, उसमें क्लैरिटी हो जाती। तो अब सीबीटी की जो एग्ज़ाम होगा उसको क्वालिफाई करने के लिए आप प्रॉपर जो है सिलेबस, सबको मैंने वैसे सिलेबस बताया है, 90% वही सिलेबस होगा। तो मैं यहाँ पर वो वीडियो का जो टॉपिक है वो यहाँ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बिकॉज वो वीडियो आप देख सकते हैं, यहाँ पर इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आप स्पेशली चाहते हैं ऑफिशियल सिलेबस, तो उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। आपने क्या करना है, डीएवी सीएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। डीएवी की ऑफिशियल वेबसाइट में जाने के बाद यहाँ पर देखिए आप जाएंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ चलिए पहले होम कर लेता हूँ मैं, होम से मैं इनके जो इंडेक्स पेज है उस पर जंप कर जाऊँगा। तो नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये जो डीएवी सीएमसी की ईमेल आईडी है ये आपको मिलेगी। तो आप यहाँ पर उनको मेल कर सकते हैं रिगार्डिंग ऑफिशियल सिलेबस फॉर डिफरेंट पोस्ट, फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड, जैसे ऑलरेडी आप जॉब कर रहे हैं इन डीएवी, देर आर सो मैनी स्कूल्स टीचर्स ऐसे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर जो ऑलरेडी डीएवी में जॉब कर रहे हैं। बिकॉज इस बार इन्होंने क्या किया है, डीएवी ने ऑल ओवर इंडिया डीएवी स्टाफ रिक्रूटमेंट रखी है। पहले होता था ये दो तीन स्टेट्स में होता था, ओडिशा साइड, झारखंड साइड, भुवनेश्वर साइड, तो लेकिन इस बार इन्होंने ऑल ओवर इंडिया कर दिया है। तो जिसमें काफ़ी एडहॉक स्टाफ है, कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ बेस्ड है, तो उनका भी एग्ज़ाम होगा। तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा डाउट्स है कि इतने साल से हम जॉब कर रहे हैं, सो व्हाट इज़ द सिलेबस ऑफ डेट पर्टिकुलर पोस्ट फॉर लाइक आल्सो फॉर प्री प्राइमरी पोस्ट। तो उसके लिए जो आपके हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, प्रिंसिपल्स हैं, आरओज हैं, मैनेजर्स हैं, आप उनको बोल के भी इकट्ठा स्टाफ एक मेल करा सकता है हेड ऑफिस डीएवी सीएमसी, जो भी उनको डायरेक्टर्स पढ़ते हैं, डायरेक्टर 1 2 जो भी उनके हैं, तो उनको जब मेल जाएगी तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर वो डिस्कस करेंगे और सिलेबस अपलोड कर देंगे। बिकॉज सिलेबस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कोई भी एग्ज़ाम होता है, चाहे पीएन का एग्ज़ाम है, उसमें सिलेबस ज़रूर दिया जाता है कि आपका ये सिलेबस होगा, इसके रिगार्डिंग आपने प्रेपरेशन करनी है। आप यूजीसी नेट का देते हैं एग्ज़ाम, नीट का देते हैं, जेई मेंस का देते हैं, उसके बाद आप सीटेट का देते हैं, आपका स्टेट का एग्ज़ाम होता है, स्टेटेट का वो देते हैं, उसमें सिलेबस क्लैरिफाई होता है कि आपका ये सिलेबस आएगा। बट इसमें सिलेबस का कुछ नहीं दिया, सैलरी तो चलो बाद की बात है, बट पहले एग्ज़ाम तो हम दें, एग्ज़ाम का तो पता लगे कि जो कैंडिडेट ने एग्ज़ाम देना है वो सैलरी क्या रहेगी। तो उसके लिए ये मैंने आपको वेबसाइट शो कर दी, तीन आपको मैंने मेथड्स बता दिए। फर्स्ट मेथड मेल करिए उनको,
सेकंड मेथड, आप जो भी आपके प्रिंसिपल हैं, आरओ हैं या मैनेजर हैं, उनसे कांटेक्ट करिए, या आप हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो प्रिंसिपल्स हैं उनसे कांटेक्ट करिए कि ऐसे ऐसी प्रॉब्लम है, सो वी आर नॉट एबल टू फाइंड द सिलेबस ऑन देयर वेबसाइट, सो प्लीज़ हेल्प अस रिगार्डिंग द सिलेबस। सेकेंड मेथड ये हो गया। और आपने इस मेल पर मेल नहीं करनी, ये जो मैंने आपको मेल बताई DAVCMC की, ये डायरेक्टली दिल्ली की है, और ये जो मेल इस पर दी गई है आपको, मैं शो करता हूँ ये हेल्प डेस्क में, ये है सिर्फ टेक्निकल हेल्प के लिए ईमेल आईडी। अगर आपके फॉर्म में कोई कोरेक्शन है, रॉन्ग डाटा अपलोड हो गया है, क्वालिफिकेशन मीट नहीं कर रही, ये उसके रिगार्डिंग मेल है, इनका कोई भी लिंक नहीं है आपके सिलेबस के साथ। सो आप ऑफिशियल मेल है जो DAVCMC की, या उनका कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ पर कॉल कर सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पर दिया गया। यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट DAVCMC रिगार्डिंग एनी इश्यूज, बट अदरवाइज कोई फॉर्म के रिलेटेड हेल्प चाहिए जो रिक्रूटमेंट निकली है तो आपको यहाँ से मिलेगी। सो प्रॉपर जितना आप मेल करेंगे उनको उतना ही जल्दी रिस्पॉन्स आएगा। तो बाकी ये प्रोसेस करके देखिए, मेरे अकॉर्डिंग 101% वर्क करेगा, बिकॉज फॉर्म में जो अपडेशंस हुई हैं, जैसे क्वालिफिकेशन की अपडेशन हुई है, पासवर्ड की अपडेशन हुई है, फिर उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की अपडेशन हुई है, देर आर सो मैनी अदर अपडेशन जो वेबसाइट में हुए हैं, वो तभी हुए हैं बिकॉज किसी ना किसी ने बैकएंड से, बैकएंड मीटू से, कि CMC से क्यूरी की है कि ये हमारी क्वालिफिकेशन है, परसुइंग में पहले नहीं था बीएड, लेकिन अब परसुइंग में भी डाल दिया है, सीटेट पीएटेट अपीएड में नहीं था, इस पर पोस्ट एलिजिबिलिटी वो भी अपडेट कर दिया है। सो ये भी आपकी सिलेबस ही अपडेट हो जाएगा, बट उसके लिए आपको मेल करना पड़ेगा। सो आई रिक्वेस्ट ऑल कैंडिडेट्स टू मेल DAV, सो डैट जो भी सिलेबस है ऑफिशियल वो आपको मिले, एंड यू कैन प्रिपेयर बेटर फॉर योर CBT। CBT में आपका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो करियर ग्राफ के अकॉर्डिंग कैसे वर्क करेगा, वो हमारी वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। बिकॉज क्राइटेरिया जो है वो, उसके लिए आपको सबसे पहले स्क्रूटनी ऑफ योर करियर ग्राफ फॉलो करनी पड़ेगी, वो उसके बाद ही आप CBT के लिए एलिजिबल होंगे। तो वो क्या है वो आप देख सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारी हमारी डिटेल्स मिल जाएंगी। और ऐसी वीडियोस के लिए ज़रूर हमें फॉलो करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा फॉर फ्यूचर अपडेट्स। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर वैल्युएबल टाइम।